हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइज ब्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं वाटिका कार्य पुस्तिका में पाठ नंबर 12 को चिड़िया का दाना, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, सुंदर सी कहानी है जो हमें बहुत सारे नैतिक मूल्यों को समझाती है, हमारे दायित्वों को। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम उसकी सहायता हम जरूर करें। तो चिड़िया का दाना पहला प्रश्न है इसका, कहानी को पूरा कीजिए। तो एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। खेत में उसे एक मटर का दाना पड़ा मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने के पहले नहा लूं। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए। इसे जमीन पर ही छोड़ दे तो चींटियां खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। इस तरह हमने पहले वाले प्रश्न को पूरा भर लिया है। क्वेश्चन नंबर हम यानी प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, शब्दों में मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। तो पहला जैसे प्रचंड था तो हमने इसमें प्राचीन, चिड़ा है तो चिड़िया हो जाएगा, घसला है तो घोसला हो जाएगा, थानदार है तो थानेदार हो जाएगा, इसका राजा हो जाएगा, सहायता हो जाएगा और सिपाही हो जाएगा। इस तरह हम सार्थक शब्द बना लेंगे अपने अनुसार मात्रा लगाकर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपको पता है क्या होते हैं। विलोम शब्द किसी भी शब्द का उल्टा होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। शब्द विलोम प्राचीन तो क्या हो जाएगा, अर्वाचीन। निराशा का आशा, गरीब का अमीर, शांति का अशांति, स्वार्थी का निस्वार्थी, ठीक है। इस तरह हम इनके विलोम शब्द भर लेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, अगर अब ये वीडियो आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा हो तो बाइज ब्रेनर को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गोला और क्रिया शब्द पर लाइन का चिन्ह बनाइए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है और क्रिया शब्द क्या होते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। क्रिया जो जिस कार्य करने को हम क्रिया कहते हैं। तो प्रातः चिड़िया दाना चुगने निकली, तो चिड़िया और दाना क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएंगे, और निकली तो नेक्स्ट है, चिड़िया ने मंत्री से रो रो कर अपनी बात कही। तो चिड़िया और मंत्री संज्ञा हो जाएंगे। बात यहाँ पे विसंज्ञा हो जाएगी और कही यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। राजा संज्ञा हो जाएगा, हाथी संज्ञा हो जाएगा, चल दिया तो ये क्रिया शब्द हो जाएगा। यानी जब उसने कुछ कार्य किया, क्रिया करी। चीटी और कहानी इसमें संज्ञा शब्द हो जाएंगे, सुनाई तो यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। पांचवें में थानेदार और सिपाही क्या हो जाएंगे, आपके संज्ञा शब्द हो जाएंगे और डाटा तो क्रिया हो जाएगी। इस तरह हम इसको कर लेंगे। बेमेल शब्द को छांटिए, राजा, मंत्री, चिड़िया और थानेदार। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि राजा, मंत्री और थानेदार एक पद है, लेकिन चिड़िया क्या है, एक पक्षी है, तो चिड़िया अलग हो जाएगी, चिड़िया को लिख देंगे। मटर फसल, चना चावल, तो इसमें ये सब क्या है, इसमें ये सब फसल के प्रकार हैं, मटर चना और चावल, लेकिन फसल अलग हो जाएगा, फसल लिख देंगे। हाथी चिड़िया चींटी और बढ़ई, तो इसमें बढ़ई अलग हो रहा है, बाकी हाथी चिड़िया चींटी जानवर हैं। पानी नदी तालाब और समुद्र, तो इसमें पानी नदी तालाब, ठीक है, और समुद्र, तो इसमें जो पानी है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि नदी तालाब और समुद्र क्या है, एक ऐसी जगह है, ऐसी चीजें हैं जहां पर पानी होता है, लेकिन पानी स्वयं में एक पानी है तो उसको अलग कर देंगे, तो पानी को हम इसमें भर देंगे। ये studenthelp.co.in एक वेबसाइट है, इस पे जाकर भी आप अपने प्राइमरी कंटेंट को पढ़ सकते हैं, और किसी की जीवनी या कोई निबंध लेख भी आप चाहे तो कोई हिंदी में सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, गणित,
भी इस वाली साइट पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में हंसकर तथा जोर से शब्द विशेषण बोला और चिल्लाया क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। बड़ाई हंसकर बोला, अंगरक्षक जोर से चिल्लाया। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण दर्शाने वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो राधा तेज दौड़ती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, जल्दी से कोई उपाय करो नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उसने मंत्री को तुरंत बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। तो पहले में तेज होगा जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कछुआ धीरे धीरे होगा इसमें जल्दी, नेक्स्ट में तुरंत होगा फोर्थ में। तो हम इसमें अब लिखेंगे तेज, धीरे धीरे, जल्दी और तुरंत। इस तरह ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। नेक्स्ट है, अब आपको हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। प्रश्न नंबर 7 है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा हाथी लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखकर इस हाथी को बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और फाइनली हम पूरा हाथी बना के उसमें कलर भर लेंगे। ये हाथी बहुत ही सिंपल है, कोई छोटा से छोटा बच्चा भी इसको बना सकता है। वीडियो को पॉज करके आप इसे बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं। मैं वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूंगी नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें और 22 मिनट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।